हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन घर का नक्शा लेकर आया हूँ। ये जो मेरा आप यहाँ फ्लोर प्लान देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो आप यहाँ लंबाई देख सकते हैं, ये 38 फीट 6 इंच है, और वही इसकी जो गहराई देख सकते हैं, ये 30 फीट का यहाँ पे दिया गया है। तो ये टोटल जो एरिया है हमारा 1155 स्क्वायर फीट का, ये हमारा फ्लोर प्लान है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं इसका फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान आपको दिखाऊंगा, और साथ ही बिल्डिंग का जो एलिवेशन दिखाऊंगा कि ये कितना बेहतरीन यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रहा है, ये कितना बेहतरीन बनेगा। तो ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेस्ट फेसिंग हमारा फ्लोर है। ये जो प्लान बनाया गया है, हमारा जो घर बनेगा ये वेस्ट फेसिंग है। यहाँ सामने से इसका रोड दिया गया है। रोड के यहाँ आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस जो है इसका 15 फीट का, यहाँ पे MS का लोहे का गेट लगाया जाएगा, जो कि दोस्तों स्लाइडिंग होगा, आधा इधर खुलेगा आधा इधर खुलेगा। अंदर और बाहर इसलिए नहीं खुल सकता है क्योंकि अंदर हमारा जो स्पेस है, यहाँ पार्किंग का स्पेस है, और बाहर हमारा रोड का एरिया है, तो इसलिए हमें स्लाइडिंग गेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन का प्लान दिखाता हूँ, लेकिन आगे मैं डिटेल में आपको जब दोनों फ्लोर प्लान बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको फ्रंट एलिवेशन डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ वो कुछ ऐसा, यहाँ देख सकते हैं ये गेट आपको दिखाई देगा, ये 15 फीट का गेट स्लाइडिंग वाला। तो अब आगे चलते हैं, तो मैं आपको यहाँ ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो मैं दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ से इंटर करेंगे अपने घर में, तो यहाँ सबसे पहले हमारा पार्किंग स्टार्ट होगा। पार्किंग से ही कनेक्टेड हमारा यू शेप में ये हमारा जीना, यहाँ स्टेयर जो है स्टेयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से जो स्टेयर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये पहला जो लैंडिंग है 4 फीट बाई 4 फीट का लैंडिंग दिया गया है। फिर हमारा यहाँ कॉर्नर में हमारा एक लैंडिंग है 4 फीट बाई 4 फीट का, फिर हमारा ऊपर ये स्टेयर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, पार्किंग की मैं बात करूँ तो पार्किंग का जो ये लंबाई दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये 17 फीट ऐसे दिया गया है लंबाई, और 13 फीट 10 इंची इसकी चौड़ाई दी गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो 17 बाई 13 फीट 10 इंची यानी 14 फीट का पार्किंग है, आराम से इसमें आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और आराम से इसमें आप मूवमेंट करके इस जीने पे चढ़ सकते हैं या फिर अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, वहीं बता दूं तो ये लेवल+1, यहाँ आप देख सकते हैं आगे, तो ये लेवल+1 कहने का मतलब है कि जो हमारा पार्किंग का फ्लोर होगा, वो हमारे ये जो मेन हमारा जो अंदर का ये फ्लोर होगा, हमारे जो रूम के हो गए, डाइनिंग के हो गए, टॉयलेट के हो गए, जो भी, उससे 1 फीट डाउन होगा। तो इसलिए लेवल+1 यहाँ पे दिखाया गया है। पार्किंग के हमारे फ्लोर से 1 फीट ऊपर एक स्टेप हमें बनाना होगा। एक स्टेप चढ़ के जब हम ऊपर जाएंगे, तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दोनों, आप इधर भी इंटर कर सकते हैं यहाँ पार्किंग से, या फिर आप चाहें तो इस साइड भी इंटर कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ हम डाइनिंग रूम में यहाँ पे सीधे जाएंगे। डाइनिंग रूम हमारा जो है, ये 14 फीट 8 इंची बाई 13 फीट 10 इंची का डाइनिंग रूम है। काफ़ी बड़ा डाइनिंग रूम है, ठीक ठाक है। आप यहाँ टेबल चेयर और अपना डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल से कनेक्टेड किचन दिया गया है। 9 फीट 8 इंच की इसकी लंबाई और 13 फीट 10 इंची की इसकी गहराई दी गई है। किचन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये ऐसे ही बस पार्टीशन दे दिया गया है। अगर किचन ओपन नहीं रखना है, तो यहाँ ये वॉल लगा के किचन को बंद कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा है पार्टीशन, ये दोस्तों ये स्टोर कहने का मतलब है कि अभी किचन सेम इनको इतना बड़ा दे दिया गया है प्लान करके, लेकिन इनका ये था कहने का कि हमें स्टोर चाहिए, तो फिर स्टोर यहाँ पे दिखा दिया गया है। अगर ये स्टोर बनाते हैं, तो ऐसे 5 फीट इनका स्टोर होगा, और ऐसे 9 फीट 8 इंची का, यानी 5 फीट बाई 9 फीट 8 इंच का स्टोर, काफ़ी बड़ा स्टोर हो गया। तो फिर हमारा जो ये किचन है, ये हमारा ये 8 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 8 इंच का किचन हो जाएगा, जो कि सफिशियंट है हमारे इतने बड़े मकान के लिए, इतने 2 बेडरूम के हमारे फैमिली के लिए सफिशियंट है। फिर इतने बड़े किचन, फिर इसी डाइनिंग रूम से हमारे ये बेडरूम एक कनेक्टेड है। बेडरूम यहाँ देख सकते हैं, 12 फिट 4 इंची बाई 10 फिट 4 इंच का यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। ये जो हमारा बेडरूम दिखाया गया है, इसमें आप अलमारी भी, एक छोटा सा अलमारी 1.5 बाई 3 का आप अलमारी यूज कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ जब हम बेडरूम से आते हैं, तो हमारे डाइनिंग रूम के सामने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एक दिया गया है। कॉमन टॉयलेट का साइज है 8 फीट, ऐसे आपको दिया गया है लंबाई, और 5 फीट इसकी गहराई दी गई है। तो 8 फीट बाई 5 फीट का कॉमन टॉयलेट है, जो कि ये बेडरूम वाले भी यूज करेंगे, और अगर डाइनिंग में कोई बैठा है तो डाइनिंग वाला भी यूज करेगा इसे ही। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा तीनों
फ्रंट छोड़ के बाकी तीनों साइड जो है ये हमारा मकान है, यानी कि हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम इधर खिड़की निकालें। तो किचन का जो हम विंडो का है, तो विंडो तो हम स्टेयर पे किचन का निकाल दिए। यहाँ पे किचन के लिए आप 2 बाई 3 का एक खिड़की यहाँ पे निकाल दें तो सफिशियंट आपके वेंटिलेशन हो जाएगा। यहाँ से किचन का आप चिमनी का पाइप लाके और जीने के ऊपर स्टेयर के ऊपर से आप छत पे निकाल सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का, तो यहाँ कॉमन टॉयलेट और इस बेडरूम के विंडो के लिए हमारे यहाँ पे शाफ्ट एक दिया गया है। शाफ्ट कहने का मतलब ओपन एरिया जो कि ऊपर तक जाएगा, हमारे छत के ऊपर तक। तो ये शाफ्ट जो है ये 3 फीट 8 इंच यानी पौने 4 फीट बाई 5 फीट का यहाँ ओपन एरिया दिया गया है। इसी ओपन एरिया से हमारा ये 2 फीट बाई 3 फीट का यहाँ पे कॉमन टॉयलेट से एक खिड़की खोला जाएगा और हमारे बेडरूम से ये पौने 4 फीट बाई 5 फीट या 4 फीट का हमारा एक खिड़की आ जाएगा। तो हमारा दोनों में वेंटिलेशन मिलेगा। फिर इसी यहाँ से आते हैं तो फिर हमारे सामने की तरफ यहाँ एक और बेडरूम आपको दिख जाता है। यहाँ ये बेडरूम का साइज़ है 14 फीट बाई 12.5 फीट का ये बेडरूम है। इसे हम एक छोटा मोटा मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इस बेडरूम से हमारा एक यहाँ टॉयलेट कनेक्टेड है 5 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से 1155 स्क्वायर फीट का एरिया है, 3 साइड पैक है, तो इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। इस ये हमारा फ्रंट में हमारा टॉयलेट और बेडरूम पड़ रहा है, तो यहाँ हम आराम से यहाँ 5 फीट बाई 4 फीट का बेडरूम से खिड़की निकाल सकते हैं और फिर टॉयलेट से हम एक वेंटिलेशन 1 बाई 1 का या 1.5 बाई 1.5 का एक वेंटिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस इतना कम एरिया के लिए अच्छा है, यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिल जाता है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर अपना आप इस डिज़ाइन के आधार पे अपना घर बना सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन भी काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर लगभग आपको मुझे लग समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर इसका आपको PDF फाइल चाहिए होगा तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका गूगल ड्राइव का अपना लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान यहाँ आप देख सकते हैं कि हम वहाँ जब स्टेयर से अपना पार्किंग से ऊपर चढ़ के आएंगे, फिर हम यहाँ से इन ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से जाके फिर ये एंट्रेंस आपको दिख रहा है, इसके अंदर चले जाएंगे। तो फिर हम फर्स्ट फ्लोर के एरिया पे आ जाएंगे। तो जहाँ नीचे आपको डाइनिंग रूम दिख रहा था, जहाँ किचन दिख रहा था, सेम उसी डायमेंशन यानी कि साइज का यहाँ डाइनिंग रूम दिया गया है, 14 फीट 8 इंची बाई 13 फीट 10 इंची का। फिर वहीं से कनेक्टेड आपको किचन दिया गया है। फिर अगर ऊपर भी आपको स्टोर रूम चाहिए होगा तो सेम आप उसी साइज़ का स्टोर रूम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। वहीं फिर आपको डाइनिंग रूम से कनेक्टेड सेम वही पैटर्न में आपको बेडरूम एक उसी साइज़ का दिया गया है, 12 फीट 4 इंची बाई 10 फीट 4 इंची का। दोस्तों फिर इसी में यहाँ से कनेक्टेड हमारा ये आप देख सकते हैं बेडरूम और ये कॉमन टॉयलेट के पीछे हमारा ओपन एरिया यानी जो शॉफ्ट है ये 3 फीट 8 इंची बाई 5 फीट का दे दिया गया है। ये ओपन एरिया यहाँ से हमारा टॉयलेट और बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए दे दिया गया है। कॉमन टॉयलेट हमारा जो हमने नीचे 8 फीट बाई 5 फीट का दिया था, सेम वही कंसेप्ट ऊपर यूज किया गया है, जिसमें हमारा वॉश बेसिन भी आ जा रहा है और हमारा वेस्टर्न सीट भी यहाँ पे दिख रहा है आपको लगाया गया है। फिर उसके साथ ही ये दोस्तों एक बेडरूम जो है, जो हमारा नीचे मास्टर बेडरूम बन रहा था, यहाँ देख सकते हैं उसी बेडरूम को यहाँ पे चेंज किया गया है। क्योंकि हमारा जो नीचे पार्किंग का स्पेस जो हमारे गाड़ियाँ ले रही थी, अब उस गाड़ी के जगह पे हम यहाँ पे ऊपर अपना एक और बेडरूम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट को चाहिए था कि हमें ऊपर में कम से कम 3 बेडरूम मिल जाए, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का आपका प्लान सब कुछ सेम है। फिर यहाँ जब हम मास्टर बेडरूम में आते हैं तो हमारा मास्टर बेडरूम जो नीचे था वो अब यहाँ पे सिंपल एक बेडरूम रह गया, ये चेंज हो गया है 12 फीट बाई 12.5 फीट का यहाँ पे बेडरूम दे दिया गया है। इस बेडरूम से यहाँ सामने की तरफ ये बालकनी आपको दिख रही है, ये बालकनी आप देख सकते हैं, बालकनी की जो है ये लंबाई है 28 फीट 6 इंच 7 इंच की दी गई है और जो गहराई है 3 फीट की दी गई है। इस बेडरूम से कनेक्टेड आपका ये बालकनी के लिए 2.5 फीट का एक डोर खुलता है। ये जो बालकनी है ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बालकनी है और इसका जब आप फ्रंट एलिवेशन पे इसका व्यू देखेंगे तो काफ़ी सुंदर इसका व्यू दिखाई देगा। फिर इसी बालकनी के इस बेडरूम से आप कनेक्टेड देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है, 5 फिट 4 इंच बाई 7 फिट का यहाँ टॉयलेट दे दिया गया है। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पे जब हम देख रहे हैं हमारा जो नीचे यहाँ पार्किंग था, वहाँ पार्किंग के ऊपर अब यहाँ पे हमें एक
एक बेडरूम का यहाँ स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा बेडरूम नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से ये सफिशियंट बेडरूम है। यहाँ 9 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का आपका ये बेडरूम है, जिसमें आप सिंगल एक बेड लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्लान में हमारा ये जो एरिया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टेयर हो गया। स्टेयर से फिर हमारा ये डाइनिंग रूम सेम है नीचे की तरफ, किचन हमारा सेम है, ये हमारा एक बेडरूम जो बेडरूम नंबर 2 है ये सेम है। फिर हमारा कॉमन टॉयलेट सेम है। नीचे जो मास्टर बेडरूम था वो ऊपर आके आपका ये सिंपल बेडरूम रह गया है। इस बेडरूम से हमारा ये अटैच एक बालकनी के लिए यहाँ दरवाज़ा खुल रहा है जो, और हमारा यहाँ बालकनी का स्पेस ऊपर आके मिल गया है। फिर यहाँ देख सकते हैं एक बेडरूम यहाँ पे 9.5 फीट बाई 11 फीट का यहाँ बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम का भी विंडो हमारा जो है ये हमारा बालकनी में खुल रहा है। फिर आप यहाँ स्टेयर के ऊपर देख सकते हैं, नीचे आपका 15 फीट का गेट था, तो यहाँ पे आपको स्टेयर के ऊपर यहाँ पे 8 फीट का यहाँ पे खिड़की दे दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आपका जो डिज़ाइन है यहाँ पे कंप्लीट बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दिया गया है। इसमें आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ आसानी से मिल जाता है इतने छोटे एरिया में, 1155 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो आप इस प्लान को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका फ्रंट एलिवेशन प्लान है, यहाँ पार्किंग के जो हम 15 फीट का गेट दिखाए थे वो है। जब आप यहाँ से इंटर करेंगे तो आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, और ये आपको जो दिख रहा है ये दोस्तों, ये आपको स्टेयर का हमारा जो सीढ़ी हमारा चढ़ रहा था वो सीढ़ी का डिज़ाइन दिख रहा है पीछे की तरह। और जो हमारा ये नीचे आपको मैं दिखा रहा था कि नीचे आपको ये एक बेडरूम यहाँ पे दिखाई, बेडरूम का विंडो दिखाई देगा दोस्तों, वही बेडरूम का विंडो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर यहाँ फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर का मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं कि एक ये आपको विंडो दिखाई दे रहा है इस बेडरूम का, फिर वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है, फिर एक और यहाँ पे विंडो दिखाई दे रहा है। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो डोर दिखाई दे रहा है एक बेडरूम से, फिर यहाँ विंडो दिखाई दे रहा है, यहाँ वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है। एक आपका ये जो वेंटिलेशन है अब यहाँ बीच में आ जाएगा, और जो बेडरूम का जो कॉर्नर वाला बेडरूम है उसका यहाँ पे विंडो आ जाएगा। इस हिसाब से ये पूरी प्लानिंग की गई है, और ये बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये घर का नक्शा है और कितना इसका फ्रंट एलिवेशन अच्छा दिखाई दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा फ्लोर प्लान पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा और पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।